तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से एक और नई वीडियो में मैं आपका दोस्त मयंक आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मयंक पंजाबी पे। बहुत टाइम बाद यार, 2 महीने के बाद ऑलमोस्ट ये वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे तो चैनल पर जाकर देखोगे तो लास्ट टाइम भी आपके लिए मैं एक वाइट कलर की BMW की 5 सीरीज लेके आया था। आज भी आप लोगों को पता चल गया थंबनेल देख के कि आज भी आप लोगों के लिए मैं वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड बीमर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए BMW की 3 सीरीज GT वर्जन। जी हाँ, GT वर्जन की गाड़ी है। GT वर्जन की खासियत भी देख लो, एक बार पीछे सीट देख लो कितनी स्पेशियस होती है। GT नॉर्मल 3 सीरीज से काफ़ी स्पेशियस अपने को GT गाड़ी मिल जाती है और काफ़ी अच्छे अच्छे इसके अंदर हमको एडवांस फीचर्स नॉर्मल 3 सीरीज से इस गाड़ी में अपने को देखने को मिल जाते हैं। चलिए आज वीडियो की शुरू करते हैं गाड़ी के इंटीरियर से। गाड़ी के इंटीरियर देख लो एक बार आप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ सुथरा गाड़ी का इंटीरियर है। इंटीरियर से पहले थोड़ा सा ज़रा पास आ जाओ गाड़ी में, देख भी लो गाड़ी मेरी चली कितनी हुई है। यहाँ पर गाड़ी दोस्तों अपनी चल रखी है 60,650 किलोमीटर। 2016 मॉडल है, 2016 के हिसाब से 6 साल पुरानी गाड़ी है। 60,000 चली हुई गाड़ी है तो कुछ ज़्यादा भी गाड़ी चली हुई नहीं है। तो चलिए यार एक बार गाड़ी का इंटीरियर आप लोग देख लो। गाड़ी का सामने का एकदम प्रॉपर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम को गाड़ी का मिल जाता है। जो कंट्रोल उसका सीधा आपको आई ड्राइव कंट्रोल के साथ सिस्टम मिलता है आपको। बीच में आपको यहाँ पर गाड़ी के बीच में सेंटर में आते तो गाड़ी के आपको यहाँ पर बोर्ड्स मिल जाते हैं अपने। ये आपका स्पोर्ट्स मोड, इको मोड एंड देन पार्किंग कंट्रोल मोड्स आपको सामने गाड़ी में मिल जाते हैं। इस गाड़ी में एक थोड़ी सी मुझे खासियत जो नहीं लगती बढ़िया वो है, इस गाड़ी के अंदर आपको कैमरा नहीं मिलता। इसके बाद के मॉडलों पे जो है गाड़ी के अंदर आपको रिवर्स पार्किंग कैमराज भी आने शुरू हो गए थे, बट कोई बात नहीं यार, इतने सारे आपके पार्किंग यहाँ पर सेंसर दे रखे हैं। आगे भी सेंसर है, बैक में भी सेंसर है, तो गाड़ी को अपना पार्क करने के अंदर कोई आपको डिफ़िकल्टी भी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। चलिए एक बार चलते हैं अपने गाड़ी की ड्राइव पे। आज सबसे पहले ड्राइव करते हैं गाड़ी की, देखते हैं गाड़ी हमारी चलने में कैसी है। उसके बाद बाहर से भी आपको गाड़ी का ओवरऑल लुक दिखाऊंगा कि कोई बिल्कुल अच्छी कंडीशन गाड़ी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चुन के काफ़ी टाइम बाद अगर आया हूँ वीडियो लेके तो काफ़ी टाइम बाद भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी गाड़ी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। पैनारोमिक सनरूफ आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। ज़रा खोल के दिखा देते हैं आपको कि कितनी ह्यूज आपको इसके अंदर फुली पैनारोमिक सनरूफ आपको देखने को इस गाड़ी में मिल जाती है। गाड़ी में को चलाने का मज़ा पैनारोमिक सनरूफ होना तो डबल ट्रिपल के 5 टाइम्स जो है गाड़ी को चलाने का मज़ा अपना बढ़ जाता है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये अगर गाड़ी की मैं आपको डिटेल पहले देना भूल गया, गाड़ी की मैं आपको एक बार डिटेल भी दे देता हूँ। ये दोस्तों BMW की अपनी 3 सीरीज GT 2016 मॉडल चली है 60,650 किलोमीटर। फर्स्ट ओनर कार है, HR रजिस्टर्ड, HR 51 फरीदाबाद रजिस्टर्ड दोस्तों ये गाड़ी है। गाड़ी का आस्किंग प्राइस थोड़ी देर देख लो वीडियो आगे, गाड़ी का ओवरऑल लुक देख लो, देन गाड़ी का आस्किंग प्राइस भी मैं आपको दूंगा कि कितने रोकड़े में ये बीस्ट आप लोगों का हो जाएगा। सबसे पहले जो गाड़ी की ड्राइव अगर मैं देखूँ तो ड्राइव तो बहुत बढ़िया है इसकी, गाड़ी की इंजॉय हो रही है। साइलेंट कार है, स्टिफ इसके सस्पेंशन है, बिल्कुल भी आपको बम्स आते हैं ढंग से आपको इतना महसूस नहीं होते हैं इन गाड़ियों में। यार इतना हैवी सस्पेंशन होता है कि यार नई गाड़ी भी देखी जाए तो मेरे ख्याल से ये 52 से 53 लाख रुपए की, 52-53 लाख रुपए इसकी ये नई गाड़ी है। और इतनी महंगी अगर कोई नई गाड़ियाँ दे रहा है तो ऑब्वियस है यार इतने तो सस्पेंशन हल्के कंपनी ऑब्वियस है नहीं देगी। अब लेकिन अगर लेटेस्ट गाड़ी की प्राइस की बात करते हैं तो अब मेरे ख्याल से ये गाड़ी समवेयर अराउंड 65 लाख रुपीज़ की हो चुकी है, या शायद डिसकंटिन्यू भी ना हुई हो। मेरे ख्याल से इस समय 3 सीरीज लीमो आ रही है अब, जो समवेयर अराउंड 62 लाख रुपीज़ ऑन रोड इस समय कॉस्ट करती है। और अगर मैं आपको इस गाड़ी के अगर इंजन की बात भी करता हूँ तो इतना पावरफुल इंजन है, 2 लीटर का दोस्तों आपको इसमें डीजल इंजन मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है मैसिव 190 PS की पावर आपको गाड़ी प्रोड्यूस करती है। इट मीन 0 to 100 मात्र 6.5 सेकेंड के अंदर आप प्यार से क्रॉस कर लेंगे। तो इको मोड पे गाड़ी चल रही है, हल्का सा पंजे पे पैर देते हैं और गाड़ी एकदम से पिकअप पकड़ लेती है। और जो हल्की सी पिकअप आती है ना तो स्माइल आ रहती है चेहरे पे, उसको देख के आप खुद ही समझ सकते हो कि मैं बहुत एंजॉय करता हूँ BMW की ड्राइव को। चलिए अब आ गए हैं यार अपना मेन रोड पे, जरा आपको गाड़ी का तहलका भी दिखाते हैं कि गाड़ी कितनी ताबड़ तोड़ है चलने में। यानी मैं ऐसे वर्ड्स में मेरे मत जाना, बट गाड़ी के जब चलाते हैं ना तो अपने अभी फीलिंग्स अंदर से आती है ऐसे ऐसे बीस्ट के लिए। तो और मौसम भी बहुत अच्छा है, कोई इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, धूप का मौसम भी ज़्यादा नहीं हो रखा है।
लेकिन टेम्परेचर फिर भी पता नहीं क्यों बाहर 44 डिग्री दिखा रहा है, बट स्टिल यार इतना गर्म मौसम भी है नहीं। तो एक बार लेते हैं यू टर्न एंड देन आपको दिखाते हैं इस गाड़ी की पावर कि 6 साल बाद भी इस गाड़ी की पावर कितनी ज़बरदस्त है। एक बार कर देते हैं स्पोर्ट्स मोड पे, जर्क फील होता है स्पोर्ट्स मोड पे आते ही। अल्टीमेट मजा आ रहा था यार, इतने 2 महीने के बाद एक और बीस जब हाथ में आया ना तो मन करता है कि इसको तो उड़ाते हैं चलो बस। एनीवेज इतनी देर से मैं गाड़ी चला के आपको दिखा भी रहा हूँ, कोई अंदर से अभी तक इंटीरियर में तो साउंड भी नहीं आई है और इंसुलेशन इतना बेहतरीन है कि बाहर की दुनिया से तो टच ही जैसे ख़त्म हो जाता है, इतना वेल मेंटेन्ड और इतना बेहतरीन इन गाड़ियों में इंसुलेशन होते हैं। चलिए एक बार चला के देखते हैं, भगा के देखते हैं इस 190 PS की पावर वाले की बीस्ट को। इतने से स्ट्रेच के अंदर 120 पहुंच जाती है यार, अल्टीमेट ड्राइविंग। यार मेरे को तो बहुत मज़ा आ गया BMW के इसको ड्राइव लेके। अब आप भी जो लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो फटाफट से नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, देख लो गाड़ी कहाँ पर अवेलेबल है और आ जाओ जरा इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी लेने। ग्रंटेड लेता हूँ 100% आपको ये गाड़ी पसंद आने वाली है। चलिए एक बार अब चलते हैं अपनी वापस शूट लोकेशन पर, देता हूँ आपको गाड़ी के बाहर का भी वॉक कराऊँ कि गाड़ी के अंदर एक चीज़ जो हम स्पेशल आपको हमेशा देती रहते हैं, ब्रांड न्यू टायर्स भी आपको गाड़ी में देखने को मिलेंगे। एनी हाउ चलते हैं गाड़ी के बाहर और देता हूँ पूरी गाड़ी का बाहर का वॉक अराउंड भी और फीचर्स भी आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या फीचर्स आपको ये लग्जरी बीस्ट ऑफर करती है। चलिए मिलते हैं अब शूट लोकेशन पे पहुंचकर। तो हाँ जी, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मैंने गाड़ी की ड्राइव दिखा दी, देख लिया आपने गाड़ी का पिकअप कितना ज़बरदस्त था और सबसे बढ़िया जो इस गाड़ी का लगता है ना डोर, फ्रेमलेस डोर है, बिल्कुल स्पोर्टी दोस्तों इस गाड़ी में फील देता है। यही खासियत है 3GT की कि इनके जो भी डोर्स आते हैं बिल्कुल फ्रेमलेस डोर्स आते हैं जो गाड़ी को प्रॉपर स्पोर्टी बनाती है। चलिए जरा गाड़ी का फ्रंट लुक देख लीजिए कि फ्रंट से गाड़ी कितनी ह्यूज, कितनी मैसिव ग्रिल दोस्तों इस गाड़ी की लगती है देखने के अंदर। DRLs की बात भी करते हैं तो थोड़ा सा पास जाके आप देख सकते हैं गाड़ी के DRLs भी बहुत ही बेहतरीन, एकदम कनिंग लुक दोस्तों इस गाड़ी की जिसको कहते हैं ना वो गाड़ी अपने को प्रोड्यूस करती है। फ्रंट में मैसिव किडनी ग्रिल्स आपको देखने को मिल जाती है, नीचे की तरफ आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और बीच में आपके भाई का लोगो है मयंक पंजाबी। नोट लोगो, चैनल का नेम है मयंक पंजाबी। जो नए हो चैनल पे वीडियो देख रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक तो कर दो मेरे लिए ना, कम से कम ऐसे ऐसे बच्चों के लिए तो यार लाइक कर दिया करो, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से आप लोगों के लिए इतने बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बीस्ट अपन लोग लेके आते हैं। अच्छा, गाड़ी की डिटेल मैं आपको दोबारा देता हूँ दोस्तों, ये है 2016 मॉडल HR51 फ्रीडम रजिस्टर्ड गाड़ी है, चलिए 60,000 किलोमीटर। और कलर की बात भी करते हैं तो थोड़ा डिफरेंट कलर इस गाड़ी का है, ये है एस ब्राउन इसको कहते हैं, थोड़ा ब्राउनिश लुक में दोस्तों कलर आता है जो बहुत ही शाइनी कलर है देखने के अंदर भी। और एक और चीज़ आपको बताऊँ बोनस चीज़ तो दोस्तों वो है कि ये गाड़ी रिसेंटली कंपनी से सर्विस होकर आई है, अगले 10,000 किलोमीटर तक कोई आपको सर्विस नहीं करानी, कोई गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं करानी। और प्लस पास आके देख लो जरा गाड़ी के चारों टायर भी अपने ब्रांड न्यू कंडीशन के दोस्तों, चारों के चारों अपने को टायर आपको देखने को मिल जाते हैं 18 इंच के दोस्तों, यहाँ पर आपको लॉयविस मिल जाते हैं। टायर भी देख लिया बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के चारों टायर मिल जाते हैं, कोई इंश्योरेंस का पैसा खर्च नहीं करना, कोई नए टायरों का पैसा खर्च नहीं करना आप लोगों ने। और एक और चीज़ बता दूँ सर्विस की बात भी करते हैं तो ये गाड़ी रिसेंटली कंपनी सर्विस होकर आई है, अगले 10,000 किलोमीटर तक भी कोई सर्विस का खर्चा भी आपका नहीं है, आपका काम में सिर्फ आना है, गाड़ी को पसंद करना है और चाबी उठानी है, पैसे देने हैं, गाड़ी को लेके चले जाना है। चलिए साइड प्रोफाइल देख लीजिए कितनी ह्यूज है इस गाड़ी की, आप देख सकते हैं स्टैंडिंग देख लीजिए अल्टीमेट दोस्तों इस गाड़ी की ह्यूज स्टैंडिंग है। 3GT की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर आपको ऑटोमेटिक स्पॉइलर भी मिल जाता है, ऑटोमेटिक स्पॉइलर मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरीके से इसका फंक्शन वर्क करता है। जस्ट मेरे पास यहाँ पे डोर पे बटन दिया हुआ है, जस्ट उसको प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली स्पॉइलर आपका पॉपअप हो जाएगा जो आपकी गाड़ी को फुल्ली स्पोर्टी लुक दे देता है। वैसे तो ये आपका फीचर एक्टिवेट हो जाता है जब आपकी कार 70 क्रॉस कर जाती है, अब ऑटोमेटिकली फीचर अपना एक्टिवेट हो जाता है।
चलिए एक बार बैक प्रोफाइल देख लीजिए गाड़ी की। बैक प्रोफाइल से भी कितनी बेहतरीन है, एलईडी शार्प है, बैक लैंप्स में अपने को देखने को मिल जाते हैं, डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम इस गाड़ी में मिल जाता है, बीच में बीएमडब्ल्यू की बैजिंग, लेफ्ट में आपको जीटी की बैजिंग मिल जाती है। एंड अगर मैं इसके टेल बूट की बात भी करता हूँ तो जस्ट इसको ओपन करके दिखा दें आपको। इलेक्ट्रॉनिकली दोस्तों इसका बूट ओपन होता है। स्पेस की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा दोस्तों अपने को स्पेस मिल जाता है। और सीट्स की भी बात करूँ तो सीट्स भी मेरी इस गाड़ी के अंदर फोल्डेबल है। अगर आप देख लो इतने बड़े स्पेस के अंदर आराम से तीन चार अपने बड़े बैग आप डाल सकते हैं, और अगर सीट भी फोल्ड हो जाए तो सोचिए कितना सारा स्पेस आपको इस गाड़ी का देखने को मिल जाता है। एनी हाउ जरा इलेक्ट्रॉनिकली इसको बंद भी कर देते हैं। सारे फीचर्स आज भी वर्किंग है इस गाड़ी के, कोई भी फीचर के अंदर कमी नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है, स्पोर्टी स्पॉइलर मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आपको मिल जाता है। जो जो फीचर्स की आप बात करते रहो, बैक पार्किंग सेंसर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, जितने भी फीचर्स की बात कर लो, सारे के सारे फीचर्स आपको इस बीमर में देखने को मिल जाते हैं। बहुत कर ली बातें, चले जाते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या ये गाड़ी का आस्किंग प्राइस, कि कितने रोकड़े में ये गाड़ी, ये बीस आप लोगों की हो जाएगी। कोई मैं गाड़ी थोड़ा डिटेल देने नहीं वाला, डिस्क्रिप्शन में चल जाना, डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। गाड़ी कहाँ पर अवेलेबल है सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। बट अपन करते हैं इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस का डिस्क्लोज। दोस्तों ये गाड़ी का आस्किंग प्राइस है 26 लाख रुपीज़। जी हाँ, 26 लाख रुपये दोस्तों इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस है, जो ऑन टेबल नेगोशिएबल है। डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ, देख लो गाड़ी कहाँ पर अवेलेबल है, आके गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले लो। गाड़ी डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आने ही आने वाली है, मैं डैम श्योर हूँ। आके अपने इस डील को क्रैक कर लो और इस बेहतरीन बच्चे को, बीस्ट को आकर अपना बना लो। चलिए मिलता हूँ एक और नई वीडियो में बेहतरीन गाड़ी के साथ, लेकिन इस बार बहुत जल्दी आपको लिए एक और वीडियो आने वाली है और बहुत ही मस्त सी गाड़ी दोस्तों आप लोगों में लेके आने वाला हूँ। उससे पहले नीचे आपके भाई का चल रहा है इंस्टाग्राम आईडी, इसको भी आकर फॉलो कर लो। नई नई गाड़ी का अपडेट यहाँ पर भी मैं आपको डालता रहूँगा रेगुलरली, आपको मिस नहीं होगा। टिल देन आप सभी लोग अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय, बहुत सारा प्यार एंड टाटा।